हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आकर्ष व्लॉग्स। तो आज की मेरी जो रेसिपी है बहुत ही स्पेशल होने वाली है। ये उन लोगों के लिए है जिनको कैप्सिकम से ख़ास तौर पे एलर्जी है। तो अगर आप उनके लिए ये रेसिपी बना रहे हो ना, तो आप ज़रूर से इस रेसिपी को नोट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी मैं कैप्सिकम एंड पीनट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। एंड यस, इस रेसिपी के लिए द क्रेडिट गोज़ टू निखत मैम, जिन्होंने मुझे ये रेसिपी सिखाई है। थैंक यू सो मच मैम फॉर टीचिंग मी दिस रेसिपी। और यस, ये एक महाराष्ट्रन रेसिपी है। आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्रन जितने भी लोग होते हैं वो अपने खाने में पीनट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो हम भी करते हैं ऑफकोर्स, लेकिन वो ज़्यादा करते हैं हमसे। तो बस आज मैंने सोचा कि चलो ये जो रेसिपी है ये आपके साथ शेयर की जाए। इसे जनरली रोटी पराठे के साथ आप इंजॉय कर सकते हो, ऐसे खाने का तो आपको जिसके साथ मन आप खा सकते हो, लेकिन ये यूजुअली रोटी या पराठों के साथ खाई जाती है, तो आप भी इसे ऐसे खा सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कैप्सिकम ले लिया है। मैंने 3 मीडियम साइज़ के कैप्सिकम लिए हैं और उनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था। साथ में मैंने ले लिया है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। ये चिली फ्लेक्स इसलिए लिया है ना क्योंकि मेरे पास रेड चिली पाउडर नहीं था। अगर आपके पास है तो आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो या इसे स्किप भी कर सकते हो। नमक ले लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमने हल्दी पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून हमने ले लिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर एंड थोड़ा सा ही हमने ले लिया है ज़ीरा पाउडर। मसाले मैंने अपने अकॉर्डिंगली लिए हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हो सब्जियों के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं तो कहूँगी कि आप जितना कम लो ना उतना ज़्यादा बेहतर है, या फिर आप उतना ही लो जितना ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टेस्ट से ज़्यादा टेस्ट अच्छा करने के लिए वो मसाले ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उससे बर्बादी होता है, चीज़ जो होती है बर्बादी होती है, कोई फ़ायदा नहीं होता आपका। इसलिए मसाले आप थोड़ा कम भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा। साथ में मैंने यहाँ पे ले लिया है, एक बड़ा साइज़ का प्याज था तो मैंने उसको अपने मैनुअल चॉपर में मैंने उसको चॉप कर लिया था। साथ में टमाटर भी, मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे, बहुत छोटे छोटे थे, तो मैंने उनको मैनुअल चॉपर में चॉप कर लिया। साथ में 1 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। और ऑफकोर्स कुकिंग ऑयल, कैसे भूल सकते हैं हम कुछ भी बना रहे हैं तो हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल, हम अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे। यहाँ पर करीब 100 ग्राम मूंगफली है, इसको तवा में हल्का सा सूखा रोस्ट करके ना आपको इसका छिलका निकाल लेना है। अच्छा, मूंगफली भी मैंने अपने जितनी सब्जियां थी मेरे पास मैंने उनके अकॉर्डिंग ली हैं। तो अगर आप कैप्सिकम ज़्यादा ले रहे हो या कम ले रहे हो तो ऑफकोर्स वो आप अपने हिसाब से जो है ना उसको मूँगफली आप अपने हिसाब से ले सकते हो कम या ज़्यादा। और आप चाहो तो आप छिलके के साथ भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन वो उतार लेना छिलका ज़्यादा बेहतर होता है और खूबसूरत भी दिखता है। ऑफ कोर्स आप जो भी बना रहे होते हो, डिश आप जो भी प्रिपेयर कर रहे होते हो, वो अच्छा भी दिखता है। चलिए मूंगफली को यहाँ पे हम लोग रोस्ट कर लेते हैं। और तवा मैंने जो गैस है मैंने नॉब ऑन कर दिया है और अब हम लोग इसको रोस्ट कर रहे हैं। आप धीमी आँच पर रोस्ट करो इसको, तब अच्छे से रोस्ट होता है। और एक बार ये रोस्ट हो जाए ना, उसके बाद आपको इसको अलग से किसी बर्तन में निकाल के आप साइड में ठंडा करने के लिए रख दो। अब बहुत मुश्किल से 4-5 मिनट में ये ठंडा हो जाता है। और उसके बाद जो है, एक बार ये ठंडा हो जाए तो फिर जो इसका छिलका है आपको निकाल लेना है। ऑफ कोर्स आप एक एक मूंगफली का छिलका नहीं निकाल पाओगे, लेकिन कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप इसका छिलका उतार लो। तो ये रोस्ट हो चुका है अच्छे से एंड आप देख लो किसी किसी का तो छिलका खुद ब खुद निकलने लगा है। तो बस कुछ देर इसको साइड में रख देना है और अब मैं इसको ठंडा करने के लिए छोड़ रही हूँ। फिलहाल इन द मीनवाइल, जब तक ये ठंडा होता है ना, तब तक कढ़ाई जो है मैंने चढ़ा दिया है, उसमें मुझे जितना ऑयल चाहिए मैंने वो ऐड कर दिया है। तो बस एक बार तेल गर्म हो जाए तो फिर हम लोग प्याज ऐड कर देंगे जो हमने चॉप करके रखा हुआ था। और आप देख लो कितना सही चॉप होता है। अगर ये मैनुअल चॉपर नहीं है ना आपके पास, मैंने एक दो वीडियोस में दिखाया भी था मैं किस चॉपर की बात कर रही हूँ, तो अगर वो नहीं है तो आप परचेज़ बिल्कुल से कर लो, वो बहुत ही काम आसान कर देता है आपका। तो यस, यहाँ पे प्याज हमने डाल दिया है एंड हल्का सा भुन लेंगे और उसके बाद टमाटर ऐड कर देंगे। और टमाटर ऐड करने के बाद ना, जो मसाले हैं स्पेशली नमक ऐड करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक बार ही आप नमक ऐड करते हो तभी जो पानी है वो रिलीज़ करता है और पकता है, उसके बाद भुनना शुरू होता है टमाटर। तो टमाटर जैसे ही ऐड करें ना, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो नमक है हम तुरंत ही ऐड कर दें।
तो बस यहाँ पे नमक के साथ साथ मैंने बाकी के सारे पाउडर्ड मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, और बस उसके बाद हम लोग अच्छे से भून लेंगे। एक बार ये भुन जाए ना, तो फिर लहसुन अदरक का जो पेस्ट हमने रखा हुआ था हमने वो भी ऐड कर देना है। आप हमेशा याद रखो कि मसाला आप जितने ज़्यादा देर तक भुनते हो ना, स्वाद खाने में उतना ही अच्छा आता है। आपको ओवर कुक नहीं करना, लेकिन ऑफ कोर्स आप अंडर कुक रखोगे तो उसमें से मसाले के कच्चेपन की स्मेल आएगी, और उसके बाद ना आपको सही नहीं लगेगा खाना जो भी है। तो बस उसको अच्छे से भुन लोगे ना आप, तो कोई सिंपल सी चीज़ भी उसका भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, और अब अच्छे से भुन लेंगे सारे मसाले। और भुनने के बाद ना जब मसाले से ऑयल खुद ब खुद रिलीज़ होने लगेगा, तो यहाँ पे देख लो ऑयल रिलीज़ हो रहा है, तो मतलब मसाला अच्छे से भुनने लगा है। तो इस पॉइंट पे ना थोड़ी देर के बाद हमें हमारा जो कैप्सिकम है जो हमने चॉप करके रखा हुआ था हमने वो ऐड कर देना है। तो बस मैंने यहाँ पे कैप्सिकम ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद आपको अच्छे से भून लेना है मसाले के साथ कैप्सिकम को। और ये जो सब्ज़ी है ना, इसमें हो सकता है आप बोल सकते हो कि ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द सब्ज़ियाँ जो आप बनाते हो, बट आप अगर कोशिश करो कम तेल में बनाने का, तो उसका वही फंडा है कि आपने उसको इतना भुनना है, आपको ढक ढक के पकाना है एंड इतना अच्छे से भून लेना है कि आपको ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम सिर्फ सोचते हैं पता है कि ऑयल ज़्यादा हो तो खाना अच्छा बनता है, बट ऐसा नहीं है। आप कम तेल में भी बहुत अच्छा खाना बना सकते हो, बस आपको थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे छिलका मैंने उतार दिया था, और साथ ही साथ जो कैप्सिकम है ना, मैं उसको लिड क्लोज़ कर करके कढ़ाई का मैं उसको पका रही हूँ कंटिन्यूसली। और बस आप देख लो यहाँ पे इस पॉइंट पर बहुत सही से भुन गया है। और दूसरी तरफ ना मैंने जो मूंगफली का छिलका उतार के रखा था मैंने उसको ग्राइंड भी कर लिया है। तो आप देख लो मैंने बिल्कुल महीन नहीं ग्राइंड करा है, काफ़ी सारे चंक्स दिख भी रहे हैं। ऐसा करने से ना बहुत सही तरीके से आपको जो फ्लेवर है ना वो रिलीज़ होता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा होता है। अदरवाइज़ अगर आप बहुत पाउडरी बना दोगे तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो बस इस पॉइंट पे कैप्सिकम जो है अच्छे तरीके से भुन चुका है। आप देख लो कैप्सिकम का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से भुन गया था। तो इस पॉइंट पे मैं जो गैस का नॉब है मैं उसे ऑफ़ कर रही हूँ, एंड ऑफ़ करने के बाद जो मूंगफली हमने पाउडर करके रखा हुआ था ना मैं उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और 2 मिनट के लिए ना लिड क्लोज़ करके छोड़ दूँगी ऐसे ही। और बस इतना करने का देर है कि आपकी जो कैप्सिकम की सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और बस आप फिर उसे रोटी पराठे आप जिसके साथ एंजॉय करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है, प्रोसेस तो आप छोड़ ही दो, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है लेकिन खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो इसको मैंने इस तरह से बना दिया है, एंड अब जो है हम लोग इसको सर्व करेंगे, किसी डिश में हम लोग सर्व कर देंगे, रोटी पराठे के साथ सर्व करेंगे। तो अगर ये अभी तक आपने नहीं बनाया है ना, तो यू शुड गिव इट अ ट्राई, क्योंकि बहुत ही आसान है और साथ ही साथ बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि कैप्सिकम एंड पीनट्स आपको पता ही है कि दोनों के काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सो बस ये मेरी कैप्सिकम पीनट की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। सो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना तो इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा, एंड मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।